हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। तो आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द पीवाईक्यूज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर द फर्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज कि मेटियोर्स क्या होते हैं। व्हाट इज अ मेटियोर? सो ऑप्शंस आर, क्या एक रैपिडली मूविंग स्टार है, क्या एक पीस ऑफ मैटर है जो कि अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर जाता है, क्या एक कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, या फिर क्या ये कॉमेट है जिसके पास टेल नहीं होता है। सिंपल में ध्यान रखिएगा, इट इज सिंपली अ पीस ऑफ मैटर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस गया आउटर स्पेस से। मतलब कॉमेट क्या होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पहले बाहर घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था, बट बाद में क्या हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन। अर्थ की ग्रेविटेशन पावर के कारण वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, बट बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे बर्न होने लगता है। सो ठीक है, इतना आई होप इतना क्लियर है। बट फिर भी कुछ जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो अर्थ तक पहुँच जाते हैं, सर्फेस तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है मेटेरॉइड्स, जहाँ पर डी यूज़ होता है। डी मेटेरॉइड्स जब भी यूज़ होगा ना, इसका मतलब यह है कि अभी जो वो पर्टिकुलर मेटेरॉइड्स जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, यानी कि अर्थ के सोलर सिस्टम के आसपास में घूम रहे हैं, मतलब बाकी सब प्लैनेट्स के आसपास में घूम रहे होंगे, अर्थ के आसपास नहीं है, उनको बोलते हैं मेटेरॉइड्स। सेकेंड, अगर वो पर्टिकुलर मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करें तो उसको क्या बोलते हैं, मेटियोर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है। बट जब हम जानते हैं कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है वो उसको बर्न करते हैं। सो अगर वो बर्न हो जाता है तब तो ठीक है, अगर बर्न नहीं होता है तो अर्थ के सर्फेस पे गिरेगा, और अर्थ के सर्फेस पे गिरेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेटियोराइट्स, जिसमें टी होगा। सो मेटियोराइट्स में डी है, इसका मतलब है अर्थ के आसपास नहीं है वो। मेटियोर्स मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस रहा है, और मेटियोराइट्स मतलब अर्थ के सर्फेस पे गिरा है। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट कॉमेट, जिसका नाम था शूमेकर-लेविन-9। क्वेश्चन बोलता है शूमेकर-लेविन-9 ने किस पर्टिकुलर प्लैनेट को हिट किया था। आंसर इज जुपिटर। इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उस पर्टिकुलर टाइप का। सो नो नीड टू रिमेंबर इट राइट नाउ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शूमेकर-लेविन-9 जो है वो एक कॉमेट है जिसने कभी ना कभी जुपिटर को हिट किया था। नाउ शूमेकर और लेविन, ये दोनों बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉमेट के बारे में मालूम किया था, एंड दैट इज वाई इनके नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शूमेकर एंड लेविन कौन थे, मतलब यू नो हिस्टोरिकल फिगर्स थे कौन थे। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही एस्ट्रोनॉमर्स थे। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर थ्री 1995 में वंस अगेन पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज दैट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड और बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच। नाउ अगर आप GMT को जानते हैं तो GMT कहाँ से पास ऑन होता है, लंदन से। लंदन जो कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर लंदन नाम की एक प्लेस है, वहीं पर GMT है। GMT का मतलब क्या है, वो 0 डिग्री माना जाता है, मतलब कि वहीं से टाइम बेसिकली स्टार्ट होता है, टाइम का कैलकुलेशन वहीं से स्टार्ट होता है। सो कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जो कि ध्यान रखिएगा उसकी ईस्टर्न साइड में, GMT की ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है, वहाँ पर टाइम हमेशा ऐड होता है, और जो वेस्टर्न साइड में वहाँ पर टाइम हमेशा माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो पांच यहाँ प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं, क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टा रिका, जापान। और क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर बताना है आपको, गिव्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड। बोल रहा है टाइम सबसे आगे किसका होगा, वहाँ से लेकर के सबसे पीछे किसका होगा, यहाँ तक बताओ। इसका मतलब क्या है, टाइम सबसे आगे किसका होगा, जो सबसे ईस्ट में होगा, राइट, सबसे ईस्ट में जो होगा उसका टाइम सबसे आगे होगा, फिर वहाँ से बताना है कि वेस्टर्न साइड में जाना है। ऑलराइट, सो पांच प्लेसेस है, क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टा रिका और जापान। नो, देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि UPSC का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बट ध्यान रखिएगा UPSC डज नॉट वॉन्ट्स यू टू रट्टाफाई। UPSC नहीं चाहता कि आप रट्टाफाई करो, UPSC सिंपली वॉन्ट्स यू टू यूज सम ब्रेन, कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना है एग्जामिनेशन में बैठने के बाद। ऑलराइट, ध्यान से समझो, क्यूबा और कोस्टा रिका आप जानते हो दोनों साउथ अमेरिका के आसपास में प्रेजेंट है, राइट। ग्रीस देखो, ग्रीस कहाँ प्रेजेंट है, यूरोप के अंदर प्रेजेंट है, इराक मिडल ईस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और जापान जो है वो ईस्टर्न साइड ऑफ द एशिया के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं, जापान जो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर रखा है, अगर आप देखोगे तो जापान सबसे ईस्ट में प्रेजेंट होगा बिकॉज एशिया के अंदर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर इराक मिडल ईस्ट, ग्रीस यानी कि यूरोप में आ गया, और फिर कोस्टा रिका और क्यूबा, इस तरीके से आएंगे। बट सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन होगा, सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन होगा, जापान होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो अगर जापान सबसे ईस्ट में है, इसका मतलब है सबसे पहले जापान आएगा और उसके बाद कोई और आएगा। तो अगर मैं 5 नंबर को प्लॉट करूँ, तो अगर ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ फाइव सिर्फ ए, मतलब ए में ही सबसे पहले 5 मेंशन है, मतलब 5 के बाद फिर 3, 2, 1, 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, द आंसर शुड बी, आई होप आप समझ रहे हैं इसको कैसे किया हमने, कि हमने जापान का लोकेशन पता करने की कोशिश की। द मोमेंट वी गॉट द लोकेशन ऑफ जापान, हमने ऑप्शन देखा सिर्फ जापान, सिर्फ एक ही ऑप्शन में सबसे आगे मेंशन है, और इसलिए हमने आंसर को जापान के थ्रू ए को टिक कर दिया। द आंसर इज ए ओनली, ऑब्वियसली। अब देखो जापान सबसे ज़्यादा ईस्ट में है, उसके बाद इराक है, उसके बाद ग्रीस है, ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पर क्यूबा आएगा, फिर कोस्टा रिका आएगा। तो दिस इज हाउ इट गोज। जस्ट रिमेंबर इन पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में हल्का सा लोकेशन ध्यान रखिएगा बिकॉज द लोकेशन ऑलरेडी UPSC एक बार पूछ चुका है। ऑलराइट, सो बस इतना ध्यान रखना है, जो GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, वो बेसिकली उसको मीन सोलर टाइम भी बोलते हैं। वो ग्रीनविच जो लंदन नाम का प्लेस है वहाँ पर प्रेजेंट है, और वो मिडनाइट को शो करता है, मतलब रात में 12 बजे को बेसिकली GMT की तरह शो करता है।
Alright, so moving ahead, question number 4 की तरफ चलते हैं. Question number 4 बोलता है कि diamond ring is a phenomena observed when. So diamond ring phenomena किस चीज़ से related है? क्या वो total solar eclipse के starting में show होता है, कि total solar eclipse के end में show होता है, या फिर peripheral regions के along show होता है, मतलब साथ ही साथ show होता है, या फिर सिर्फ central region of the trail के अंदर show होता है? कब show होता है, कहाँ show होता है, ये question पूछा जा रहा है. तो diamond ring पहले क्या है? देखो, इमेजिन करो कि एक सन है और सन के सामने मून आ गया. तो क्या हम कह सकते हैं मून जो है सन को ढक लेता है, बट बिकॉज मून का साइज इतना छोटा है कि सन के जो आउटर वाले पार्ट्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से ढकते नहीं, और कुछ ऐसा यहाँ पर यू नो इमेज फॉर्म होता है जहाँ पर सन है, सन के आसपास आगे तो मून आ गया है, बट जो आसपास वाले पार्ट है वहाँ पर मून जो है उसको पूरी तरीके से ढक नहीं पाया, जिसके कारण सन की लाइट जो है वो यहाँ से लगातार एमिट हो रही है और चमक रही है. और चमकने के कारण क्या होता है, ऐसा लगता है कि एक रिंग टाइप चीज़ है जो कि आसपास में बहुत तेज़ी से चमक रही है, ठीक है, इसलिए इसको डायमंड रिंग बोलते हैं. अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि डायमंड रिंग कब फॉर्म होगा? क्या एक्लिप्स के स्टार्टिंग में फॉर्म होगा, या फिर एक्लिप्स के एंड में फॉर्म होगा, या फिर साथ में फॉर्म होगा? ऑब्वियसली साथ में फॉर्म होगा, राइट? पेरिफेरल रीजन्स में जब एक्लिप्स चल रहा हो, यानी कि जब ट्रेल चल रहा हो उसी टाइम फॉर्म होगा. दैट इज वाई द आंसर इज चार्ली, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको समझाया मून क्या करता है, सन के सामने आता है, और सामने आने के बाद कारण देखो आ तो जाता है बट पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक डायमंड रिंग टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है. तो मूविंग हेड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 1997 में पूछा गया था. द क्वेश्चन सेज द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, व्हाई? सिंपल वर्ड्स में देखो, तो कॉमेट ऐसा होता है, कॉमेट ऐसा दिखता है, ऐसा सिंपल, मतलब उसका एक हेड होता है जो ग्लो कर रहा होता है और टेल होता है. सो हेड और टेल वाली चीज़ को कॉमेट बोलते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉमेट हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन बोलता है एज द कॉमेट रोटेट्स अराउंड द सन, सन के आसपास जब वो घूम रहा है तो लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जो कॉमेट का सबसे लाइटर पार्ट है वो क्या सबसे पीछे की तरफ चला जाता है? चलो थोड़ी देर को देखते हैं क्या हो सकता है. ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, मतलब कुछ देर के लिए देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एज द कॉमेट रोटेट्स द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज अट्रैक्टेड बाय सम अदर स्टार. अब देखो मान लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम में सन है, बाकी जितने भी स्टार्स हैं सबके सब सन से कम छोटे ही हैं, सन के इतना बड़ा कोई नहीं है. तो अगर एक पर्टिकुलर कॉमेट लेट्स से कि सन की तरफ अट्रैक्टेड है, तो क्या कोई और दूसरा स्टार उसको अपनी तरफ खींच सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने कोई और दूसरा स्टार अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जर्ट नहीं कर सकता, सिंपल वर्ड्स में. सो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट तो एब्सर्ड है, उसको हमने कैंसिल कर दिया. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन एग्जर्ट्स अ रेडियल प्रेशर ऑन द कॉमेट थ्रोइंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन. मतलब कि सन ऐसा रेडिएशन छोड़ता है जिसके कारण एक ऐसा प्रेशर लगता है कॉमेट के ऊपर, जिसके कारण वो अपनी टेल को पीछे की तरफ फेंक देता है. आंसर इज वंस अगेन नो, ये बहुत ही एब्सर्ड है. ये तो वैसे वाली बात हो गई कि सन यू नो टारगेट कर रहा है एक पर्टिकुलर कॉमेट को, बट ऐसा कभी कुछ नहीं होता. एंड फोर्थ इज द ट्रेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अब मान लेते हैं लेट्स से कि ये एक सन है, ठीक, मान लो एक कॉमेट है जो कि सन की तरफ आ रहा है. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब है कि कॉमेट का शेप हमेशा ऐसे रहेगा, तो क्या यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा? नो, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कॉमेट का जो हेड होता है वो हमेशा सन की तरफ होता है. तो यहाँ पर देखो अगेन ये चेंज कर लेगा अपना पोजीशन, और कॉमेट जो है अपना हेड जो है सन की तरफ कर लेगा, और टेल जो है अपोजिट डायरेक्शन में कर लेगा. सो मतलब ये भी गलत है. सो मतलब क्या है, द ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए क्या बोलता है उसको समझते हैं. ऑप्शन ये बोल रहा है कि जब ये कॉमेट मूव करता है और सन के आसपास में ट्रैवल कर रहा होता है, तो सन की जो ग्रेविटी होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि देखो मान लो कि लेट्स से ये कुछ कॉमेट है, तो इस कॉमेट के जितने भी स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स हैवी मटेरियल्स होते हैं ना, वो सबके सब एक जगह पर जमा हो जाते हैं आगे वाले पार्ट में, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं. तो कुछ ऐसा एक शेप फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ जहाँ पर जितने भी हैवी मटेरियल्स है वो आगे की तरफ है और जो लाइटर मटेरियल्स है वो पीछे की तरफ है और वो ग्लो कर रहे हैं. दैट इज़ वाई हम कहते हैं टेल जो कॉमेट की होती है हमेशा सन की ऑपोजिट होती है. क्यों? बिकॉज सन क्या करता है, कॉमेट का जितने भी हैवी मटेरियल्स है उसको हमेशा आगे की तरफ खींच लेता है. ऑलराइट, ठीक है. सो आई होप आप इतना समझ गए हैं. कॉमेट की बात करें, कॉमेट क्या है? कॉमेट एक आइसी बॉडी है, आइस से बनी हुई बॉडी है जो कि गैस और डस्ट ये सब रिलीज करती है. इसके अंदर डस्ट, आइस, CO2, अमोनिया, मीथेन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ध्यान रखिएगा ये ऊट क्लाउड के अंदर प्रेजेंट होता है. ऊट क्लाउड कहाँ है? देखो मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, सन है. सन के आसपास सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है जिसके अंदर एस्ट्रॉयड्स प्रेजेंट होती है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है. यहाँ तक क्लियर? नेपच्यून के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक और बॉडी आती है जिसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है. क्यूपर बेल्ट के बाद में भी एक क्लाउड टाइप जगह आती है, इसको बोलते हैं ऊट क्लाउड. तो ऊट क्लाउड का मतलब क्या है? ऊट क्लाउड बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, गैस, डस्ट जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं वो सब यहीं पर प्रेजेंट होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. तो ऊट क्लाउड के अंदर ही यहाँ पर कॉमेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग हेड क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 वाज आल्सो 1997 अगेन.
द क्वेश्चन इज दैट द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, यानी कि छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक जो कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, कौन से होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, आंसर विल बी एस्ट्रॉइड्स, बिकॉज उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट ही बोलते हैं। सो रॉक के छोटे छोटे पीसेस हैं जो कि सन के आसपास में रिवॉल्व करते हैं लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं, उनको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है सिंपल वर्ड्स में। बहुत कुछ कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ कुछ बहुत बड़े होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। बट सोचने वाली बात यह है कि एस्ट्रॉइड्स, देखो लेट्स से सन है, ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है और ये जुपिटर है और बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अब देखो ध्यान रखना, इसके अंदर मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो है प्रेजेंट है, बट इन सबका जो मास है वो इतना लाइट होता है, इतना कम होता है कि इन सबके मास को अगर कंबाइन कर दे और एक सिंगल बॉडी बना ले तो उस पर्टिकुलर बॉडी का जो मास होगा ना, दैट इज़ लेस देन द मून ऑफ द अर्थ। जो हमारा मून है उसका जो मास है वो इन सारे के सारे एस्ट्रॉइड को मिलाकर के उससे भी ज़्यादा मास है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। यानी कि उनकी भले ही नंबर बहुत ज़्यादा है बट उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सीरियस जो है वो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, वेस्ता जो है वो ब्राइटेस्ट एस्ट्रॉइड है, इसके अलावा एरोस और इकारस ये दो इंपॉर्टेंट एस्ट्रॉइड्स हैं, बस इनके नेम याद रखने हैं। सो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि जैसे मान लो वेस्ता, फिर एरोस और इकारस, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट, सब पता होना चाहिए ये सब क्या है, ये सब बेसिकली एस्ट्रॉइड्स के नेम्स हैं। ठीक है, मूविंग है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि अगर अर्थ का डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स करते हैं, अर्थ का जो रोटेशन का डायरेक्शन है उसको रिवर्स करते हैं। सो नॉर्मल केसेस में अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बोल रहा है अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो बोल रहा है कि अगर डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो जाए तो वट वुड बी द आईएसटी, आईएसटी का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट्स, इतना ध्यान रखना है। 82 डिग्री 30 मिनट्स पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। बोल रहा है कि आईएसटी क्या होगा वेन इट इज़ नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब आइडियल क्या होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। सो बोल रहा है कि अगर 12 बज रहे हो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन में, 12 बज रहे हैं, नून हो रहा है, मतलब 12 बजे दिन के बज रहे हैं, तो बोल रहा है आईएसटी का टाइम कितना होगा। सो हम जानते हैं आईएसटी और इसके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, इट इज़ 5:30, मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस है। बट बिकॉज अभी हम आगे की तरफ हैं तो ऑब्वियसली हम 5.5 घंटे पॉजिटिव में रहते हैं, प्लस में रहते हैं। अगर हम पीछे की तरफ हो जाएंगे, बोला डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा? हम पीछे की तरफ आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5.5 घंटे जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाएंगे। सो 12 - 5:30 कितना होता है? देखो अगर आप 12 बजे में से 5.5 घंटे हटाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुबह के 6:30 बजेंगे। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी सुबह के 6:30 बजे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई है। देखो बोल रहा है अर्थ का डायरेक्शन अगर उल्टा कर दिया तो क्या होगा, तो अर्थ का डायरेक्शन अगर हम उल्टा कर देंगे तो जो टाइम हम पहले प्लस करते थे वो टाइम हम बाद में माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट वंस अगेन 1997 में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कौन सा स्टार अर्थ के सबसे पास है? इज इट पोलारिस, अल्फा सेंचुरी, सन या फिर सीरियस? सोचने वाली बात है, अर्थ के सबसे पास में जो स्टार है वो कौन सा है? ऑब्वियसली सन है, सन ही सबसे पास में स्टार होता है इसके अर्थ के, राइट? ध्यान रखिएगा अर्थ के सबसे पास जो स्टार है उसे सन बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखो अर्थ के पास जो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड नियरेस्ट स्टार है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है कि सन के बाद सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो उसका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और साथ ही साथ देखो जैसे हमारा, आप जानते हैं हमारा मान लो एक सोलर सिस्टम है जहाँ पर एक तरफ सन है, उसके आसपास में 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, मतलब सोलर सिस्टम के बाहर। हम जानते हैं सन तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, तो ये दोनों तो चलो अर्थ से दिखते हैं। बट द क्वेश्चन कम्स कि अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर की बात करें तो सोलर सिस्टम से नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो उसका आंसर होगा ध्यान रखना अल्फा सेंचुरी। तो सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे पास जो स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सेकंड नियरेस्ट स्टार है सन के बाद, मतलब अर्थ से अगर हमें कुछ स्टार तक पहुंचना है तो सन के बाद अगर जो हम पहुँच सकते हैं वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बट अल्फा सेंचुरी जाने के लिए हमको पूरे का पूरा मिल्की वे गैलेक्सी पार करना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, देन सीरियस क्या होता है? ब्राइटेस्ट स्टार होता है, मतलब देखो नियरेस्ट स्टार सन, सेकेंड नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, देन स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी, एंड ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है हमारे स्काई में? दैट इज सीरियस। सीरियस सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वंस अगेन आस्क्ड 1997, व्हाट इज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। मार्स पर अगर हमें लाइफ कंडीशंस क्रिएट करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन होनी चाहिए। देखो एटमॉस्फेयर वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस ध्यान रखिएगा वीक एटमॉस्फेयर है। तो क्या एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? यस, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बट क्या हम बिना एटमॉस्फेयर के रह सकते हैं? द आंसर इज यस, रह सकते हैं। ऑब्वियसली मार्स के सर्फेस पर अगर हम डोम्स बना लें, डोम मतलब छोटे छोटे यू नो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बना लें, और अंदर की तरफ हम अपना ऑक्सीजन वगैरह खुद ही रेगुलेट करना स्टार्ट कर दें, तो हम रह सकते हैं बिना एटमॉस्फेयर के भी वहाँ पर, एटलीस्ट कुछ साल तो डेफिनेटली रह सकते हैं।
सेकंड, क्या थर्मल कंडीशंस को ठीक करने की जरूरत है? थर्मल कंडीशन को ठीक करने की जरूरत तो डेफिनेटली है, बट वंस अगेन इट इज़ नॉट द प्राइम थिंग. ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम वहाँ पे लाइफ नहीं लगा सकते. थर्ड बोल रहे हैं अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो कहीं पर अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को जिंदा रहना है, वन थिंग दैट दे नीड इज वाटर, मतलब पानी चाहिए. और पानी का किसमें प्रेजेंट होता है? माना जाता है कि मार्स के ऊपर आइस कैप्स है और फ्रोजन वाटर अगर प्रेजेंट है, मतलब सी के नीचे यहाँ पर फ्रोजन वाटर है, और जो फ्रोजन वाटर प्रेजेंट है ना उसी को यहाँ पर पिघला करके, उसी को यहाँ पर बेटर तरीके से इस्तेमाल करके एक ड्रिंकिंग वाटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बाई द ह्यूमन रेस. सो अगर लाइफ स्टार्ट करनी है मार्स के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फ्रोजन वाटर और आइस कैप्स का होना. नो एक और लॉजिक समझो, जब अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई थी तो क्या हुआ था? सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? वाटर के अंदर स्टार्ट हुई थी. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बनने स्टार्ट हुए थे, राइट? सेम थिंग्स, अगर लाइफ स्टार्ट करनी है मार्स के ऊपर तो सबसे पहले आपको वाटर चाहिए होगा. तो वाटर क्या है? आइस कैप्स में फ्रोजन वाटर वगैरह में प्रेजेंट है. और ओजोन, चलो ओजोन तो बाद की बात हो गई, जब अल्ट्रा वायलेट रेज से फाइट करना स्टार्ट करेंगे तब, बट उससे पहले हमें वाटर वगैरह चाहिए होगा, फ्रोजन वाटर, आइस कैप्स, ये सब चीज़ें, तभी हम जाकर वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करवा सकते हैं. ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही है. मूविंग है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज बाई मास इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ का जो क्रस्ट है, देखो अर्थ का जो हमारा बॉडी होता है ये बेसिकली कंसेंट्रिक लेयर से मिलकर बना होता है. सबसे बाहर वाले लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, देन मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर. ये चार लेयर्स होते हैं. क्रस्ट यानी कि जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, यानी कि जिस सर्फेस के ऊपर हम रह रहे हैं उसको हम क्रस्ट कह सकते हैं. मतलब क्रस्ट किस चीज़ से बना हुआ है उसको उससे पूछा जाता है. ध्यान रखिएगा क्रस्ट सिर्फ उतना ही नहीं होता जितना हम देख रहे हैं, रादर उसके नीचे कुछ किलोमीटर तक क्रस्ट होता है. सो क्वेश्चन कम्स कि सारे का सारा जो क्रस्ट बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है. ओ साई का मतलब क्या है? ओ से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन. तो ये चार मेन कॉम्पोनेंट है जिससे हमारा क्रस्ट बनता है, जिसमें मेम्बर दिखते हैं. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो ओ साई में सबसे पहला क्या है? ऑक्सीजन. तो आंसर विल बी ऑक्सीजन. ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑलमोस्ट 47%, और ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सेकंड लार्जेस्ट फिर चाहिए होता है सिलिकॉन, थर्ड में एल्यूमिनियम, फोर्थ में आयरन. ये चारों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर. ऑलराइट, मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 11 1998 में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स के बारे में. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एस्टेरॉइड्स क्या है? दे आर रॉकी डेब्रीज ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन. क्या एस्टेरॉइड्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, रॉक से बने होते हैं? द आंसर इज यस, रॉक से बने होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं. और क्या वो सन का ऑर्बिट करते हैं? द आंसर इज यस. वंस अगेन देखो ध्यान से याद करो, सन की बात कर रहे थे, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ठीक है, और फिर यहाँ पर जुपिटर है. मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो ये कहाँ ट्रैवल कर रहा है? सन के आसपास भी ट्रैवल कर रहा है, राइट? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एस्टेरॉइड्स जो है ये लोग भी सन के आसपास ट्रैवल करते हैं. ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? बोलते हैं मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल, ज़्यादातर स्मॉल होते हैं लेकिन कुछ इनमें से बड़े हो सकते हैं. तो देखो ये सम तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली हो सकते हैं, एक ना एक तो डेफिनेटली होगा जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, राइट? जस्ट ध्यान रखिएगा सम वाले वर्ड ज़्यादा सही होते हैं, सम वाले स्टेटमेंट्स यूपीएससी में ज़्यादा सही होते हैं. सो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट इज द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न. क्या जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में प्रेजेंट है? आंसर इज नो, मार्स एंड जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है. तो थर्ड गलत हो गया, थर्ड हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो. आंसर विल बी वन एंड टू ओनली, यानी कि चार ली. ठीक है, सो यहाँ पर देखो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो एस्टेरॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं. देखो एस्टेरॉइड्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है. पहली चीज़ कि रॉक से बने होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं. सेकंड, ज़्यादातर स्मॉल होते हैं बट कुछ उनमें से बड़े हो सकते हैं, मतलब 1000 किलोमीटर तक के हो सकते हैं. और उनके जो ऑर्बिट होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके अलावा एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स बोला जाता है बिकॉज ऑल दो प्लैनेट्स बनना चाहते थे बट बिकॉज उनका स्मॉल साइज है उसी कारण वो एस्टेरॉइड बन के रह गए. रॉकी रिमेन्स होते हैं, मतलब पत्थर के बने होते हैं ऑब्वियसली, और हमारे सोलर सिस्टम के अर्लियर फॉर्मेशंस के पार्ट होते हैं. मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे सोलर सिस्टम जो फॉर्म हो रहा था उस टाइम जो चीज़ें प्रेजेंट थी उनमें से एस्टेरॉइड्स एक है. नाउ एस्टेरॉइड्स का जो ऑर्बिट है वो कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट रिमेंबर मार्स और जुपिटर के बीच में. ठीक है, सो मूविंग है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं वेल देर इज नून एट आईएसटी, आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जब नून है मतलब 12 बजे दिन के. तो पीपल ऑन अनदर प्लेस ऑफ द अर्थ आर टेकिंग देयर मॉर्निंग टी एट 6 o'clock. तो वो लोग 6 बजे वहाँ पर 6 बज रहे हैं, मतलब जब हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं उनके यहाँ पर 6 बज रहे हैं. ठीक है, और मॉर्निंग के 6, इसका मतलब क्या है? पीछे टाइम पीछे चल रहे हैं, मतलब हम 12 बजे दिन के चल रहे हैं, उनका 6 AM सुबह का हो रहा है. ये बोल रहे हैं क्या लॉन्गिट्यूड है उस पर्टिकुलर प्लेस का? तो ध्यान से देखो, अगर 12 बजे हैं और 6 बजे, इसका मतलब कितने घंटे का डिफरेंस है? 6 घंटे का डिफरेंस है, 6 आवर का डिफरेंस है. तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमारा जो अर्थ है, मतलब एक चीज़ ध्यान रखो, हमारे अर्थ को अगर अर्थ देखो तो ये लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, बहुत सारे डिवाइडेड है, ऐसे 180 इस तरफ, 180 इस तरफ, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड में डिवाइडेड है. सो
सो अगर एक भी लैंग्वीट्यूड को ट्रैवल करना है, मतलब एक डिग्री अगर ट्रैवल करना है ना हमारे अर्थ को घूमना है, तो उसको 4 मिनट लगते हैं घूमने में हमारे अर्थ को। एक डिग्री मतलब ईस्टर्न साइड में ट्रैवल घूमने के लिए हमें 4 मिनट्स लगता है। सिंपल वर्ड्स में देखो, अगर एक डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगा है, तो एक घंटे में कितना घूमेंगे हम? 15 डिग्री घूमेंगे, मतलब 15 डिग्री मतलब 60 मिनट्स का मतलब है वन आवर, मतलब एक घंटे में हम 15 डिग्री तक ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 घंटे का डिफरेंस है, मतलब 12 बज रहे हैं यहाँ पर और 6 घंटे पीछे है। तो अगर ध्यान से देखो, 15 डिग्री एक घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोला 6 घंटे, 6 घंटे कितना हो जाएगा? 90 मिनट्स ऑलमोस्ट, सॉरी 90 डिग्रीज। अरे आप समझ पा रहे हैं, एक घंटा अगर अर्थ घूमती है तो 15 डिग्री घूम जाती है, 6 घंटा घूमेंगे तो कितना ट्रैवल करेगी? 90 डिग्रीज ट्रैवल करेगी। अब देखो, 90 डिग्री अगर ट्रैवल कर रही है, तो हमारा ISTकितने पे? हमारा ISTI 82°30' पे। इसमें से हमें 90 माइनस कर देना है, 90 डिग्री माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें माइनस में चला जाएगा 7°30'। अब देखो, 7°30' किस तरफ होगा? लेफ्ट में, राइट में? देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब जानते हैं जब भी कोई भी ईस्ट में जाएगा तो टाइम ऐड होगा और वेस्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। अभी हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7°30' वेस्ट। ठीक है, आई होप आप यहाँ पर समझ गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए और फिर से देखिए, बिकॉज बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको बस एक दो बार आप देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। वंस अगेन, ISTI 82°30' पे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज़ और देखो, मान लो अगर ISTI पे 12 बज रहे हैं नून के, मतलब 12 बज रहे हैं दिन के, तो अगर सुबह 6 बजे की चाय पी रहा है, इसका मतलब क्या है? 6 घंटे पीछे है अभी वो, 6 घंटे पीछे है, मतलब इसका टोटल टाइम 90 डिग्री हो गया। 92 डिग्री को अगर हम 82°30' से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7°30' वेस्ट। बहुत ईजी कंसेप्ट है ये, इसको बस एक दो बार आप देखिए, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ नेम ऑफ द प्लैनेट्स हैं जिसको उनके कैरेक्टरिस्टिक के साथ में बेसिकली मैच करना है। पहला बोल रहा है स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ करता है? तो बोला लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो बोला प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, और फाइनली प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। देखो, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा पहले हुआ करता था? इट यूज टू बी प्लूटो। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में प्लूटो है, इसका मतलब है आंसर विल बी प्लूटो। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ करता था? इट इज प्लूटो। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था? ऑब्वियसली जुपिटर। थर्ड बोल रहा है प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, देखो मर्करी सबसे आगे होता है, उसके बाद वीनस होता है, तो सेकंड नंबर पे कौन सा है? वीनस। और प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, सन के सबसे पास कौन सा है? मर्क्यूरी। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस ऑर्डर को यूज करोगे तो A4, B3, C2, A1, तो A का हो गया स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो गया प्लूटो का, ठीक है, B का 3 हो गया, यानी कि देखो ये लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर हो गया। इस तरीके से अगर आप प्लॉट कर लोगे तो आंसर विल बी डेल्टा। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। नाउ 2006 में क्या होता है? प्लूटो 2006 से पहले एक प्रॉपर प्लैनेट हुआ करता था, 9th प्लैनेट हुआ करता था हमारे सोलर सिस्टम का। बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने 2006 में क्या किया? इसको प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया और बोला कि अब से ये ड्वार्फ प्लैनेट होगा। क्यों? देखो, प्लूटो को इसलिए हटाया गया बिकॉज प्लूटो के आसपास में छोटे छोटे रॉक की बॉडीज थी, और प्लूटो जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उन रॉक की बॉडीज को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा था। सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्लूटो जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ नहीं कर पाया, क्लीन नहीं कर पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। बिकॉज प्लैनेट का डेफिनेशन जो है वो ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी की ग्रेविटेशन फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी छोटी मोटी बॉडी जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सब्ज्यूम हो जाती है, मतलब मिल जाती है। बट प्लूटो ऐसा नहीं कर पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक, लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करें, जुपिटर होता है। अगर हम एक साइज वाइज एक कंपैरिजन कर लें तो देखो, जितने भी हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एक ऑर्डर में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा जुपिटर है, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून। फिर हम आते हैं अंदर की तरफ, तो हमारे में जो मर्करी, वीनस, अर्थ, वहाँ से 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। इनमें से अर्थ सबसे बड़ा है, देन कम्स वीनस। देखो, ध्यान रखना, वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? अर्थ और वीनस का साइज ऑलमोस्ट बराबर है। तो अर्थ पहले है, फिर वीनस आएगा, फिर मार्स आएगा, फिर फाइनली मर्क्यूरी। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्लूटो के जाने के बाद स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा बन गया है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी नाउ। ऑलराइट, ये तो हमने देख लिया साइज के हिसाब से प्लैनेट का, हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, देन मार्स, देन मर्क्यूरी। अब देखो, सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो इसके लिए आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए। फ्रॉम सन मतलब सन की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हुए ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो अगर आपसे कोई फर्स्ट प्लैनेट पूछे, क्लोजेस्ट टू द सन पूछे, तो आंसर विल बी मर्क्यूरी। सेकंड प्लैनेट पूछे तो वीनस है, थर्ड पूछे तो अर्थ है, फोर्थ पूछे तो मार्स है। इस तरीके से आपको मूव करते जा रहे हैं। जैसे देखो, आगे पूछा गया तो प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, ऑब्वियसली मर्करी सबसे पास है सन के यहाँ पर, ठीक। और जैसे मैंने आपको बताया, प्लूटो के हटने के बाद मर्करी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट बन चुका है, और ये अर्थ के मून से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। जो अर्थ का अपना मून है उसे बस थोड़ा सा ही बड़ा है, यानी कि जो मर्करी है वो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रॉपर्ली समझ आ गया है। मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 क्या बोलते हैं, बस से फिर से टाइम का क्वेश्चन है, 1999 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन से कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82°30' पर अभी 10 बजे हैं सुबह के, तो बोल रहा है शिलोंग जो कि 92° इस पर है उसका टाइम क्या होगा। देखो प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस लैटिट्यूड देख रहे हैं यहाँ पर। आपको पता है IST 82°30' पे है और 92° पहुँचना है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना हो गया। देखो दोनों में डिफरेंस हो गया ऑलमोस्ट 9°30' का, बिकॉज देखो 82 से अगर 92 जाओगे तो कितना हो गया 10°, बट 30° आगे है ऑलरेडी, इसका मतलब क्या होगा 9.5°, 9°30'। नाउ थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 1° ट्रैवल करने के लिए कितना होता है 4 मिनट्स लगते हैं, 9° ट्रैवल करने में कितना लगेगा देखो 36 मिनट्स, और 30 ईस्ट है मतलब 30 मिनट्स है, इसका मतलब है हाफ डिग्री ट्रैवल करने में कितना, देखो 1° में 4 मिनट लगता है तो 1/2° में 2 मिनट लगेगा। तो यहाँ देखो 9.5° ट्रैवल करने में कितना टाइम लग जाएगा 38 मिनट्स। सो अगर कोई यू नो 10 बज रहे हैं मान लो कहीं पर भी, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शिलोंग में क्या होगा। अब शिलोंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, शिलोंग आपको बता रहा है किस तरफ है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है कि वेस्ट है। ऑब्वियसली शिलोंग का मेघालय के अंदर प्रेजेंट है, मतलब 82°30' जहाँ पर भी हमारे इलाहाबाद में है वहाँ से ईस्टर्न साइड में जाना है हमें, मतलब टाइम ऐड ऑन हो जाएगा। तो अगर 10 बज रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा 10:38, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एक्चुअली। ऑलराइट, बस ये ध्यान रखिएगा 1° ट्रैवल करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं और 15° ट्रैवल करने में 1 घंटा लगता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स, कौन सा स्कॉलर था जिसने पहली बार ये गैसेस हाइपोथेसिस दिया था, मतलब किसने बोला था कि अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है वो गैसेस और डस्ट पार्टिकल से हुआ है। जस्ट रिमेंबर एक कंसेप्ट आया था इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, कौन था जो डस्ट हाइपोथेसिस देगा, द आंसर विल बी स्मिट, ओ स्मिट, इसने यहाँ पर यह आंसर दिया था, जिसने पर्टिकुलर यहाँ पर हाइपोथेसिस दिया था इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस का, ठीक है। सो आई होप अभी हमने जो पहले 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन दम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए, एज लॉन्ग एज यू कैन रिमेंबर उसको याद कीजिए, एंड ओनली आफ्टर दैट यू विल बी फीलिंग मोर कम्फर्टेबल फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ रही है, ठीक है। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस प्लीज़ लीव अस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।